गुड इवनिंग बच्चों, आशा है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप न केवल सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे रहे होंगे बल्कि लेखन कार्य पे भी उतना ही ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जो आपके नंबर हैं, आप सभी को पता है कि सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते बल्कि लिखने की शैली, लिखने के प्रस्तुतिकरण और लिखने का अभ्यास अच्छे नंबरों के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ उसको लिखने का, प्रस्तुतिकरण का, मानचित्र बनाने का, चित्र बनाने का अधिक से अधिक अभ्यास करें ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। जैसा संदीप सर ने ग्रुप पे बताया है बच्चों कि जैसे ही आपके राज्य में लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पेपर कंडक्ट कराएंगी। पेपर देर में होंगे या जल्दी होंगे, आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाएं और अधिक से अधिक मेहनत करें। ये पेपर होंगे चाहे देर में हो चाहे जल्दी हो, तो इस बात को ये तो अवश्य है कि पेपर लेट हो चुके हैं, लेकिन अब जब भी परिस्थितियां सामान्य होंगी तब पेपर होंगे। तो बच्चों, आज की इस रिविज़न क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, यानी जैव संसाधनों का वितरण और उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। बच्चों, पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि हमारे धरती पर बहुत सारे जैविक संसाधन मिलते हैं। ये जैविक संसाधन हमारी धरती पर जीवन के स्रोत हैं, ये जीवन वाले संसाधन हैं जो जीवित चीज़ों से बने हैं। इसमें वनस्पति, घास के मैदान, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हमारे जैविक संसाधन हैं और उनका क्या क्या उपयोग हम करते हैं। तो चलते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो जैविक संसाधन हमारी धरती पर उपलब्ध है वह है वनस्पति। किसी भी जगह वनस्पति मूल रूप से 3 कारणों से विकसित होती है। पहला जलवायु, दूसरा उच्चावच और तीसरी मिट्टी। आप हमेशा याद रखें, जब भी कभी इस चैप्टर को पढ़ें जहाँ वनस्पति की बात हो, तो वनस्पति मूल रूप से 3 चीज़ों का, ऐसा कहते हैं ज्योग्राफी में कि नेचुरल वेजिटेशन इज़ द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, रिलीफ एंड सॉइल। तो जहाँ कहीं इन तीनों के एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। आप जानते हैं ये तीनों चीज़ें सभी जगह मिलती हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती हैं। अब जैसे तापमान है, जलवायु का एक अभिन्न अंग है, कहीं पे तापमान कम है कहीं पे ज़्यादा है। वर्षा है, जलवायु का एक अभिन्न अंग है, कहीं वर्षा ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, कहीं किसी मौसम में होती है, कहीं ये बारिश के रूप में होती है कहीं ये बर्फ़ के रूप में होती है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो जलवायु के हैं जिस पे वनस्पति निर्भर करती है। इसी तरह उच्चावच, पर्वत पठार मैदान, सभी जगह अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। और उसी तरह मिट्टी भी, जहाँ अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है तो अलग प्रकार की विशिष्ट वनस्पति मिलती है। तो यहाँ जो हमारा मूल रूप से कंसर्न है वनस्पति में, वनस्पति को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो प्राकृतिक वनस्पति होती है और दूसरी जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण उगी होती है। तो यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति की, जो प्राकृतिक तौर पे उगी है। तो बच्चों, वनों को प्रभावित करने वाले जो 3 मूल कारक हैं, यदि हम उनको और आगे बांट के देखें तो धरातल, जलवायु, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्रकाश की अवधि, कितनी देर तक सूरज की रोशनी मिलती है, जिन जगहों पर ज़्यादा देर प्रकाश मिलता है वहाँ पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं, मिट्टी, आर्द्रता और तापमान। तो इस तरह ये कुछ तत्व हैं जिस पे जलवायु का ज़्यादा प्रभाव है और इन्हीं के कारण वन संसाधन अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह मिलते हैं। तो यदि हम धरती पे पाए जाने वाले विभिन्न वन संसाधनों के भौगोलिक वितरण को देखें तो कई प्रकार के वन मिलते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, भूमध्य सागरीय आर्द्र वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ वाले वन, इसी के साथ ही शीतोष्णकटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा है। जैसे
एक खास तरह की वनस्पति प्रदेश को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारी तरह की वनस्पति मिलती है, बहुत घनी वनस्पति मिलती है। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर साल भर ऊंचा तापमान रहता है, वर्षा बहुत होती है, जिसके कारण जंगल ज़्यादातर हरे भरे रहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं वृक्ष हरे भरे रहता हूँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सदा हरे रहते हैं। यहाँ बहुत सारी तरह के वृक्ष मिलते हैं, कुछ एक समय पत्तियाँ गिराते हैं, कुछ दूसरे समय पत्तियाँ गिराते हैं, तो पेड़ पत्तियाँ गिराते रहते हैं लेकिन जंगल हमेशा हरे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ खास पेड़ होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट कहते हैं, वो थे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हैं ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो वर्ष में कम से कम एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जब हवा में आर्द्रता की कमी होती है तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो ऐसे वनों को हम पतझड़ वाले वन या डिसूडियस फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको लिखते समय ध्यान रखने हैं, और लिखने में आसानी रहेगी, आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी जब आपके पास ऐसा प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। ये ऐसे वन होते हैं बच्चों जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ये मूल रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मिलते हैं, जो मूल रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में, पश्चिमी घाट के उस तरफ, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं। तो यहाँ पर रोज़वुड, आयरनवुड, महोगनी, इस तरह के रबड़, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ये इतने लंबे होते हैं 60 मीटर से भी ऊँचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ वनस्पति में जो मुकाबला होता है वो अधिक से अधिक धूप पाने के लिए होता है। जो वनस्पति नीचे रह जाती है उसको कम धूप मिलती है, और जो जितना ऊँचा होता है उतनी ही ज़्यादा वनस्पति धूप ले पाती है, तो ऊँचा होने में ही फ़ायदा होता है। अब यहाँ देखें तो ये जो वनस्पति प्रदेश है ये आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते, संपन्न नहीं माने जाते, इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि हम इनके कारणों की व्याख्या करें तो सबसे पहला, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियाँ एक साथ मिली हुई मिलती हैं जिसके कारण उनका आर्थिक रूप से दोहन संभव नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब ज़्यादा वनस्पतियाँ एक साथ मिलती हैं तो उनको काटने में बड़ी दिक्कत होती है, साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी के कारण लकड़ी काटना बहुत मुश्किल है। एक से अधिक प्रजाति के वनस्पति मिलती है जिसके कारण उसका आर्थिक दोहन, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर रेलगाड़ी, सड़कें ले जाना, सड़कें नहीं हैं जिसके कारण लकड़ी को काट के लाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ वनों में बहुत सारे जहरीले जीव जंतु मिलते हैं, ये जहरीले जीव जंतु लकड़ी के काम में बाधा पहुंचाते हैं। इसी के साथ ही रोज़ होने वाली बारिश और अत्यधिक गर्मी के कारण भी यहाँ पर आर्थिक रूप से इनका दोहन नहीं के बराबर होता है या बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। अब आते हैं मानसूनी वन, इनको मानसूनल फॉरेस्ट कहा जाता है। ये भी डिसूडियस होते हैं, अगर हम इनके इंग्लिश में इनके नाम को देखें तो इनको कहते हैं ट्रॉपिकल मानसूनल डिसूडियस फॉरेस्ट। ये दो तरह के होते हैं, एक को वेट टाइप कहते हैं और एक को ड्राई टाइप कहते हैं, जो मूल रूप से उन जगहों पर होते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो म्यांमार, भारत, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस आदि क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ पे साल, सागून, सीसम, चंदन, आम, बरगद, रबड़, बांस, सिंकोना आदि मिलते हैं। और आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अपने आजू बाजू के क्षेत्रों में, भारत में मूल रूप से मानसूनी जलवायु मिलती है, तो जो वनों की उपस्थिति है वो भी मानसूनी वन मिलते हैं। मानसूनी जो वन हैं बच्चों, आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप जानते हैं शीशम, आपने सुना होगा, जो मानसूनी वन होता है जिसकी लकड़ी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है घरेलू कार्यों के लिए, घर में फर्नीचर बनाने के लिए, तो इसका आर्थिक रूप से बहुत दोहन हो रहा है। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो काट लिए जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि मानसूनी जो प्रदेश है वहाँ वनों पर काफ़ी दबाव है। इसके बाद आते हैं भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन जो है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र, अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में, इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में, साथ ही साथ जो हमारे
अमेरिकन उपमहाद्वीप है, अमेरिकन महाद्वीप है, उसके पश्चिमी हिस्से पर ये मिलते हैं। ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये महाद्वीपों के पश्चिमी कोने पे मिलती है। जो जो हमारी हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, उनके बेल्ट के स्थानांतरण के कारण ये बनती है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है और गर्मी कम पड़ती है, जिसके कारण यहाँ अलग तरह की वनस्पति मिलती है। अगर हम देखें यहाँ पे ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, चेस्टनट, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। और ज़्यादातर वनस्पति में यहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिलते हैं, जो खट्टे रस वाले हम जानते हैं फ्रूट्स होते हैं। नींबू है, अंगूर है, नाशपाती है, ये सारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। उसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंधी कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले वन। ये मूल रूप से वो वन होते हैं जो मध्य और पश्चिमी यूरोप में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, यूएसए में मिलते हैं, कनाडा के तट पे मिलते हैं, जो मूल रूप से 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जहाँ पर वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट मिलती है वहाँ मिलते हैं। इसकी विशेषता होती है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु कठोर होती है और सारे साल बारिश होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे वन जो हैं सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं और पूरी सर्दियाँ इनमें पत्ते नहीं उगते हैं। इसमें ओक, बर्च, चेस्टनट, अखरोट, पोपलर, ऐश आदि वैरायटी के पेड़ मिलते हैं। इसके बाद आते हैं उसी क्षेत्रों में मिलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। इन इलाकों में बहुत सर्दी पड़ती है और बर्फ़ गिरती है, उन जगहों पर ये वन मिलते हैं, जो मूल रूप से साइबेरिया के वन हैं और ये पर्वतीय ढालों पर 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये 30 मीटर या इससे अधिक लंबे होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम लकड़ी होती है, जिसमें चीड़, देवदार, स्पूर, फर, रेडवुड आदि मिलते हैं। ये मुलायम लकड़ी होती है, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है, आर्थिक रूप से ये बहुत ही दोहन किया जा रहा है इसका। तो इस तरह आपके सामने मानचित्र पे दिखाया गया है कि किस तरह की वनस्पति कहाँ मिलती है। आप सभी को ये मानचित्र भी बनाना है। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि वनस्पति के वितरण को दिखाएं, तो भूगोल में जब भी कभी वितरण शब्द आए तो आपको उसमें उसका मानचित्र अवश्य बनाना है। अब है वन संसाधनों के लाभ क्या हैं। आप सभी जानते हैं वन संसाधनों के क्या लाभ हैं, लेकिन फिर भी एक बार यदि हम देखें तो वन संसाधनों के लाभ, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है, औद्योगिक कच्चा माल मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है, आश्रय स्थल मिलता है, रोज़गार मिलता है, ये सारे वनों के लाभ हैं। यदि इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, बाढ़ों का रोकते हैं और रेगिस्तानों के प्रसार को रोकते हैं और हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं। अब आता है कि वनों में क्या क्या आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वनों से कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो वनों में बच्चों यदि हम देखें, मानव की पहली आर्थिक क्रिया वनों से ही शुरू हुई, जिसमें फूड गैदरिंग एंड हंटिंग कहते हैं। कई प्रकार की जो समाज हैं, जो आदिवासी समाज हैं, वो संग्रह पर आधारित है, वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में मिलने वाले कंदमूल, फल, लकड़ी, वनस्पति, इसको वो इकट्ठा करते हैं और उसको वो खाते हैं। तो वनों से दोनों तरह के खाने के योग्य और जो खाने के अयोग्य भोजन हैं, जो और कामों में आता है, वो किया जाता है। तो यदि हम संग्रह देखें धरती पर, तो संग्रह के दो रूप मिलते हैं। एक वो जिसमें संग्रह करने वाले लोग इसको अपनी आजीविका, जीवन यापन के लिए करते हैं, आजीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वहीं दूसरे इसको व्यापारिक उद्देश्य से संग्रह करते हैं। व्यापारिक उद्देश्य का मतलब है कि जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उसको बाजार में बेचेंगे और लाभ कमाने के लिए काम करेंगे। यदि हम जीवन निर्वाह के संग्रह क्षेत्रों को देखें, तो ये मूल रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन, एशिया में मलेशिया के जंगल जहाँ पे सेमंग, सेकाई आदिवासी ट्राइब्स मिलती हैं, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अमेजन बेसिन की बोरो जनजाति, अफ्रीका में कांगो बेसिन, ये सभी जगह ऐसे हैं जहाँ जीवन निर्वाह के लिए संग्रह किया जाता है। इसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, जायरे में पिग्मी,
विश्व के जो अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर संग्रह किया जाता है। अभी क्या संग्रह करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं भोजन के लिए, कुछ हैं वस्त्रों के लिए, कुछ हैं निवास स्थान के लिए। तो आप देखें, भोजन के लिए कंदमूल, नट, फल, शहद, पुष्प, चिकिल आदि का प्रयोग करते हैं, संग्रह करते हैं। वस्त्रों के लिए पेड़ों की खाल, तने, घास, पेड़ों से निकलने वाले रेशे। इसी तरह घरों के लिए झोपड़ी, छप्पड़ निर्माण के लिए बांस, टहनियाँ, पत्तियाँ, घास फूस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए जंगलों में जो औषधीय तत्व मिलते हैं उनका भी ये इकट्ठा करते हैं, उनका भी ये प्रयोग करते हैं। जब हम व्यापार की बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वनों से या वनों से बहुत सारी तरह के हम उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें फल, चिकिल, एक खास तरह की दवाई जट्रोपा पौधा देता है, च्युइंगम बनाने के काम आती है, रबड़ जो आप सभी जानते हैं मलेशिया जायरे के बेसिन में, कांगो बेसिन में बड़ी मात्रा में मिलती है। इसी तरह बहुत सारे रेशे, और अभी जैसे एक दवाई काफ़ी चर्चा में रही, मलेरिया की दवाई, वो भी यहाँ सिनकोना नामक पेड़ से बनाई जाती है और उसको बेचा जाता है। इसी तरह टेनिन, कपड़ा साफ़ करने का एक केमिकल होता है, वो भी पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसके साथ गोंद और लाख भी हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। यदि हम उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों से जो व्यापारिक चीज़ें संग्रह करते हैं, यदि उन्हें आप देखें, तो कॉर्क जो एक खास तरह का ऊष्मा रोधक तत्व होता है, टेनिन, रेगजीन, तारपीन का तेल, ये हम जंगलों से प्राप्त करते हैं और व्यापारिक उद्देश्य के लिए इन्हें विश्व बाजारों में बेचते थे। यदि हम देखें कि आखेटन जो है जीवन निर्वाह के लिए कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आखेटन मूल रूप से मलेशिया, मध्य अफ्रीका के बहुत सारे प्रदेश, अमेजन का जायरे बेसिन, साइबेरिया और कनाडा के दुर्गम इलाकों में हो रहा है, जहाँ कृषि के लिए उपयुक्त दशा नहीं है। उन सभी जगह आखेटन करके ही बहुत सारी जनजातियाँ अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। ये विकास के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इनकी आवश्यकताएं बड़ी ही सीमित हैं, और अपनी सीमित आवश्यकताओं को जंगल के साथ सामंजस्य स्थापित करके वो पूरा कर रही हैं। आखेटन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो भोजन प्राप्त करने के लिए, आवास प्राप्त करने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए और उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वो जंगल में आखेटन का कार्य कर रही हैं, आखेट का कार्य कर रही हैं। इसी में एक खास पेशा है, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, जिसको लम्बरिंग कहते हैं। ये एक प्राथमिक तरह की आर्थिक क्रिया है, जिसमें जंगलों से आर्थिक रूप से अच्छे उपयुक्त पेड़, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, उनको काटा जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें, यहाँ पर तटीय क्षेत्र, नदी घाटी में बसे घने जंगलों तक पहुँचना जहाँ संभव है, वहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य किया जा रहा है। इसी तरह मध्य अफ्रीका में कैमरून, कांगो, गबन, पश्चिमी अफ्रीका के कुछ तटीय प्रदेश जहाँ पे महोगनी के वन मिलते हैं, उनकी कटाई की जा रही है। इसी तरह भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सागौन नामक जो वनस्पति है, उसका हम कटाव करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसा मैंने पहले बताया, कि वनों की कटाई इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि यहाँ पे कठोर जलवायु है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लकड़ी बहुत कठोर है, जंगल बहुत सारे सघन जंगल है, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जंगलों में रहने वाले जानवर और कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हैं, दलदली ज़मीन है। एक एक जगह पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे हैं, जिससे उनको काटना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। जल विद्युत विकसित नहीं है, वनों में वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं है। साथ ही साथ ये जंगल मूल रूप से उन इलाकों में हैं जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगलों का कटाव इतना सहज रूप से नहीं हो पाता है और कम विकसित है। वहीं यदि हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ जंगलों काटने का काम बड़ा ही व्यापारिक उद्देश्य से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रजाति के मुलायम लकड़ी के पेड़ मिलते हैं। मुलायम लकड़ी होने के कारण उसको काटना और ढोना आसान होता है। वनों में प्रवेश करना सुगम होता है, क्योंकि वनस्पति दूर दूर होती है। सड़क रेल मार्ग का प्रयोग जो होता है, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात है, सर्दियों में जहाँ बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर सर्दियों में लकड़ियाँ काट के
जमी हुई नदियों के ऊपर छोड़ दी जाती है। जब नदियाँ पिघलती हैं तो ये लकड़ियाँ बह के नीचे आ जाती हैं जहाँ पर इनको काटने की फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, वो क्षेत्र हैं जहाँ पर लकड़ी काटने का जो कार्य है वो व्यापारिक उद्देश्य से हो रहा है। यहीं पर एक ख़ास तरह के लोगों का जिक्र आता है बार बार, जिन्हें हम लम्बर जैक कहते हैं। लम्बर जैक्स कैनेडा में मिलते हैं, साइबेरिया में मिलते हैं, जिनका उद्देश्य होता है लकड़ी काटना, प्रोफेशनली लकड़ी काटना। ये व्यापारिक उद्देश्य से लकड़ी काटते हैं। जब आप जानते हैं कि कैनेडा के ऊपरी इलाके और साइबेरिया के ऊपरी इलाकों में 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें, तो जब जब कठोर सर्दियों का मौसम होता है तो ये लकड़ियाँ काटते हैं और इन्हें ढलान वाले नदियों पर छोड़ देते हैं जिसमें बर्फ़ जमी होती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो ये लकड़ियाँ मैदानी इलाकों में आ जाती हैं और वहाँ इनको काटने का काम होता है। तो जिस तरह सर्दियों में ये लकड़ी काटने का काम करते हैं जब कृषि कार्य संभव नहीं है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये लकड़ी काटने का पेशा छोड़कर जो अपनी खेती बाड़ी का काम है वो करने लगते हैं। जो हमारे जैविक संसाधन हैं उनमें एक ख़ास तरह के जैविक संसाधन है वनों के बाद घास की भूमियाँ। आप जानते हैं जिन इलाकों में कम वर्षा होती है वहाँ इतना पानी उपलब्ध नहीं होता है कि उससे बड़े बड़े पेड़ उग पाएँ, तो इसके कारण वहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो मूल रूप से छोटी घास के रूप में ही मिलती है, जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं इसलिए उष्णकटिबंधीय मैदान है, और दूसरे वाले शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। हम बचपन से बहुत समय से ये पढ़ते आए हैं कि कौन कौन से मैदान हैं, आप सभी को पता है। यदि आप देखें, आपके सामने मानचित्र दिया है विश्व का, ऊपर लिखा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये मूल रूप से वो क्षेत्र हैं जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा जैसे हम विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, रेगिस्तानों में वर्षा और भी कम होती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये घास के मैदान उगते हैं। तो आपके सामने देखिए, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपास, अर्जेंटीना में ग्रान चाको, अफ्रीका में पार्कलैंड, इस तरह से कुछ घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। जाहिर सी बात है ये उन जगहों पर हैं जहाँ पर वर्षा कम हो रही है, जैसा पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में ये मिलते हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा फिर से बड़ी कम होती है। वर्षा साल भर होती है, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है, और बाद में जब सर्दियाँ होती हैं तो वर्षा कम हो जाती है। वर्षा कम होती है लेकिन मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसके कारण थोड़ी वर्षा में भी अच्छी नरम पौष्टिक घास की घास उत्पन्न होती है, जिनके कारण आप आगे देखेंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। आपके सामने कुछ घास के मैदान लिखे हैं। हम पहले से जानते हैं कि कनाडा, यूएसए के घास के मैदान को हम प्रेरीज कहते हैं, इसी तरह अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं, साउथ अफ्रीका में मिलने वाले घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं, इसी तरह नॉर्थ जो हमारा अफ्रीका है उसे सवाना घास के मैदान कहते हैं, और मध्य एशिया में मिलने वाले घास के मैदानों को, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज घास के मैदान कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों जो दूसरा जो हमारा जैविक संसाधन धरती पे मिलता है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु। आप जानते हैं बहुत सारी प्रकार की मछलियाँ, पक्षी, स्तनपाई, कीट पतंगे, जलों में रहने वाले कीड़े, उड़ने वाले कीड़े, मकड़ियाँ आदि बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी धरती पे मिलते हैं, जो जो हमारे इस पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में, आगे चलाए रखने में, खाद्य श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यदि हम जीव जंतुओं के पर्यावास को देखें वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वनों में रहने वाले हैं घास के रहने वाले जीव जंतु मिलते हैं, मरुस्थलों में रहने वाले और टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले सभी जगह अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। ये सभी जीव जंतु
इस प्रकार के हैं जिनका पर्यावरण के साथ सामंजस्य है और पर्यावरण के अनुकूल ही जीव जंतु वहाँ मिलते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट मिलते हैं, यदि हम ध्रुवीय इलाकों में जाएं तो वहाँ पर पोलर बियर मिलता है, तो जो वहाँ की जलवायु है उसी के अनुरूप ढले होते हैं। मनुष्य द्वारा जीव जंतुओं से बहुत सारे जो जो उत्पाद हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। यदि हम देखें आखिटन के लिए प्रयोग किया जाता है, फंदेबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है और पालतू बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम आगे देखें पशुचारण जो है धरती पर दो प्रकार का होता है, एक चलवासी पशुचारण जिसमें जो नोमैडिक हर्डिंग जिसे कहते हैं, लोग जो जो पशु पालते हैं वो अपने हर्ड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इसी के अंदर एक ऋतु प्रवास भी आता है जिसकी चर्चा हम अपनी पिछली क्लासेस में कई बार कर चुके हैं। आपको पता होगा कि ऋतु प्रवास एक ऐसा प्रवास होता है जिसमें एक व्यक्ति जो पशु पालता है वो अपने पशुओं के साथ एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में हमेशा प्रवास करता रहता है। यहीं चलवासी पशु चारण के बाद एक खास तरह का पशुचारण आता है जो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, जहाँ पर मशीनों की मदद से ज़्यादा पैसे लगाकर हम बड़ी मात्रा में पशु पालते हैं, मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। यदि हम चलवासी पशुचारण की विशेषताएं देखें तो ये प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होता है, निश्चित चरागाह होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पशु पाले जाते हैं। जैसे अगर आप देखें न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, अगर यूरोप में बात करें तो हम गाय पाली जाती हैं, USA में सुअर पाले जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के पशु पाले जाते हैं और अलग अलग तरह के उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। यहीं जैसा मैंने बताया यहाँ ऋतु प्रवास मिलता है। भारत में हिमालय प्रदेशों में गुर्जर, बकरवाल, गर्दी, भोटिया मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में लैप्स जो है वो चलवासी पशुचारण करते हैं। ये सामाजिक स्तर के अनुकूल जो जो संख्या है पशुओं की वो निर्धारित होती है, जिसके बाद जितने ज़्यादा पशु होते हैं उतनी उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत मानी जाती है। चलवासी पशुचारण की भौतिक दशाएं जटिल हैं। ये मूल रूप से उन्हीं इलाकों में किया जाता है जहाँ कम वर्षा होती है। घास के मैदान जो हमने पीछे देखे, उन घास सभी घास के मैदानों में पशुपालन का काम होता है और ये अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। इस पर व्यापारीकरण का ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रदेश आपके सामने चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मंगोलिया, सारा रेगिस्तान का क्षेत्र, भारत, ईरान, इराक, अरबियन पेनिनसुला, साइबेरियन प्रदेश जहाँ पर ग्रेजिंग लैंड्स ज़्यादा हैं और जो व्यापारिक पशुपालन है उसके विपरीत इन क्षेत्रों में जो पशुपालन है वो जीवन निर्वाह के लिए किया जा रहा है। अब आता है वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन व्यवस्थित ढंग से ज़्यादा पैसे के निवेश से किया जाता है और यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए ही होता है। बड़े बड़े रेंचेज बनाए जाते हैं, पंपास में इन्हें स्टेनिशिया कहा जाता है, और बाड़ लगाकर नियंत्रित ढंग से ये पशुचारण कराते हैं। पशुओं की संख्या बड़ी ज़्यादा होती है, स्वच्छ जल की व्यवस्था होती है और आधुनिक तकनीक और जो निवेश है उसका ये प्रयोग करते हैं, काफ़ी पैसे लगाते हैं। आप देखें दूध निकालने के लिए मशीनें होती हैं, खाना खिलाने के लिए मशीन होती हैं, दूध के उत्पाद या मांस को ठंडा रखने के लिए कूलेंट होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी पैसे का निवेश करते हैं जिससे व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में जो पशुपालन है वो ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ठंडी जलवायु में दूध और दूध से बनी चीज़ें, मांस को आराम से लंबे समय तक रखा जा सकता है, जबकि गर्मी वाले इलाकों में ये ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब दूध का उद्योग, अगर हम दूध उद्योग देखें तो दुग्ध उद्योग के लिए अनुकूलतम दशाएं चाहिए होती हैं, जलवायु अच्छी होनी चाहिए। यदि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो वहाँ दूध का व्यवसाय ज़्यादा देर तक और ज़्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। स्वच्छ जल चाहिए, पशु चराई के लिए जगह होनी चाहिए, परिवहन के साधन अच्छे होने चाहिए ताकि दूध मार्केट तक पहुँचाया जा सके, बाज़ार के निकट होना चाहिए,
पूंजी की आवश्यकता होती है दूध को बचाने के लिए, दूध को बाज़ार में ले जाने के लिए। ये बड़े वो क्षेत्र हैं जहाँ पर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो आप देखें, इसमें भारत का भी जिक्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, इसके बाद अमेरिका, यूएसए जो है वो आता है, और यूरोप के कई देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं जहाँ पर ज़्यादा पशुपालन किया जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। तो अभी जैसा मैंने बताया, इन सभी देशों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूध का पाउडर बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है। तो ये दूध उत्पाद हैं जिनकी दुनिया भर में मांग है, और सभी देशों में जो है उत्पादन इनका होता है और विश्व के बाज़ारों में इनको बेचा जाता है। अब आता है मांस आधारित उद्योग। मांस आधारित उद्योग मांस जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ये भी एक हमारे जैविक संसाधन है। यदि आप देखें तो मांस प्राप्त करने के लिए जो पशु होते हैं उनमें सुअर, भेड़, बकरी जो हम साधारण तौर पर सुनते आए हैं, इसके अलावा चारा में इनको मक्का, आलू, गेहूं, हरा चारा आदि खिलाया जाता है। तो जहाँ जहाँ व्यापारिक रूप से पशुपालन हो रहा है और मांस के लिए हो रहा है, वहाँ व्यापारिक उद्देश्य से ही इनकी खेतीबाड़ी की जाती है। आलू उगाए जाते हैं, मक्का उगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि यूएसए में बहुत सारा मक्का सुअरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है। इसी तरह यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारा हरा चारा पशुओं के लिए हम सभी खेतों में उगाते हैं। तो सेम उसी तरह वहाँ पे भी मक्का और आलू जो है पशुओं को खिलाने के लिए खेतों में उगाया जाता है। ये आपके सामने मानचित्र बनाया गया है जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि दुनिया में भेड़ और बकरियाँ कहाँ कहाँ पाली जाती हैं। तो आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अफ्रीका का हिस्सा, इसी तरह यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये वो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। इस मानचित्र में कुछ मेजर हिस्से दिखाए गए हैं, कुछ माइनर हिस्से दिखाए गए हैं। मेजर यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, माइनर जो कम अपेक्षाकृत कम भेड़ बकरियों के मांस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब यदि हम बकरियों के मांस की बात करें तो सबसे ज़्यादा बकरियाँ भारत में पाली जाती हैं, गंगा की घाटी और जो हमारे दुर्गम इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ सभी जगह। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में बकरी पाली जाती हैं। इसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मेक्सिको, सभी जगह इनको पाला जाता है। यदि बकरी के मांस के व्यापारिक देश देखें तो कुछ देश हैं जो निर्यातक देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहीं कुछ आयातक देश हैं जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन प्रमुख हैं। भेड़ बकरी की तरह सुअर का मांस भी दुनिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और इसके मुख्य उत्पादक देशों में यूएसए का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी है जहाँ से मांस जो है विदेशों में सप्लाई किया जाता है। सुअर पालन की विशेषता है कि सुअर सब कुछ खा जाता है, सर्वभक्षी होता है, कम लागत और कम जगह में हो जाता है, इसकी प्रजननशीलता ज़्यादा होती है, और मक्का इसका मुख्य भोजन होता है, जिसके कारण मक्के को आराम से उगाया जा सकता है और सुअरों को पाला जा सकता है। तो ये आपके सामने मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर सुअर ज़्यादा पाले जाते हैं। इसी के साथ ही कुछ माइनर क्षेत्र हैं जहाँ पर सुअरों की अपेक्षाकृत कम उत्पादन लिया जाता है, कम पाले जाते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो यहाँ जाहिर सी बात है कुछ निर्यातक देश हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सुअर के मांस को पैक करके यूएसए से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। इसके अलावा चीन दुनिया का एक बड़ा निर्यातक देश उभर रहा है। आयातक देशों में जापान और यूरोपीय देश हैं जहाँ पर ठंडी जलवायु में मांस ज़्यादा खाया जाता है। इसी तरह जो हमारे जीव जंतु हैं उनसे हम ऊन भी प्राप्त करते हैं। ये ऊन जो है मूल रूप से ऐसे प्रदेशों में ज़्यादा प्राप्त की जाती है जहाँ 10 से 27 डिग्री का तापमान होता है और वर्षा कम होती है। पशुओं को चराने के लिए जो पशु ऊन देते हैं, जिसमें भेड़ है उसको, बकरी है उसको चराने के लिए घास के मैदान होने चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए, समतल मैदान होने चाहिए, और जो ऊन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी इसकी डिमांड है। भारत भी ऊन का एक बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी काफ़ी बड़े देश उभर रहे हैं। ये मानचित्र है आपके सामने जिसमें बड़े देश दिए गए हैं जो इनसर्कल्ड हैं, जो गोले हैं, गोले किए हैं जिन पे, वो
ऊन के बड़े उत्पादक देश हैं। तो आपके सामने जैसा मैंने अभी बताया कि कौन से निर्यातक देश हैं, कौन से आयातक देश हैं, तो आप देख सकते हैं भारत एक निर्यातक देश है जबकि अमेरिका आयातक देश है, क्योंकि अमेरिका में ऊन के कपड़ों की काफ़ी डिमांड रहती है और वो एक बड़ा निर्यातक देश भी है, तो जाहिर सी बात है ऊन की आवश्यकता वहाँ अधिक होती है। तो इस तरह बच्चों इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखने की कोशिश की कि धरती पर कौन कौन से जैविक संसाधन मिलते हैं, जिनमें वन हमने घास के मैदान, पशुपालन, पशु और समस्त तरह के जो हमारे जीव जंतु मिलते हैं उनको हमने देखा। इस स्लाइड में आपने जो देखा वो बड़े ही सरल चीज़ें हैं, यदि आप इनको व्यवस्थित उत्तर लिख पाएँ तो आपको बड़े अच्छे अंक आ सकते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस जो हमारी आज की जो वीडियो है इससे एक प्रश्न पक्का आएगा आपको। छोटे प्रश्नों के रूप में ऋतु प्रवास बहुत बार आता रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छा सा आंसर लिखें, और साथ ही साथ यहाँ पर मानचित्र भी बहुत सारे हैं, तो मानचित्रों की भी आप प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा मानचित्र आप बना पाएंगे, जितने अच्छे आप प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे, उतने ही भूगोल में अच्छे अंक आएंगे। तो आज यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।